तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है रेड सी गेमिंग। और आज हम डबल से खेलने वाले भूत लेकर आज हम डबल से खेलने वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो मैं वैसे मेरी स्किन इतनी घटे दिखती है, अगर आप मेरे हाथ को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसका ग्लिच की वजह से मैं बताना भी नहीं चाहता। और मैंने ये कुछ इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाया, आपको बता दिया। और मैं इसको जल्दी से भर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना कि ये कुछ इस तरीके से मैं गेट बनाऊंगा, इस वजह से मैं थोड़े से स्क्रूज वुड तोड़ना पड़ेगा, मतलब पेड़ काटना पड़ेगा, तोड़ना बोल रहा हूँ, पेड़ काटना पड़ेगा। मेरा इसमें सिर्फ स्लैब्स है, स्क्रूज के स्लैब से इसमें काम हो जाएगा, तो मैं स्लैब से काम चला लेता हूँ जल्दी जल्दी। और एक थोड़े से प्लैंक्स भी लगेंगे, मेरे को प्लैंक ले लेता थोड़े से, प्लैंक काफी है मेरे हिस्से। तो मैं जल्दी से ये फ्रेम बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर असल में आएंगे कुछ स्टेयर्स, इस वजह से मेरे को पेड़ तोड़ना पड़ेगा। जल्दी से जाके तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बकर ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मेरे पास में अभी टाइम बहुत कम थी, इस वजह से कि मेरे को अभी बहुत सारे काम है, इस वजह से मैं अपना टाइम निकाल के बैठा हूँ जल्दी से करने के वास्ते। इस वजह से घर में खुद धीरे बात करें, मेरे को खुद ही पता है। तो जल्दी जल्दी काटते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमको 60 ब्लॉक्स काफ़ी होंगे प्लैंक्स के, इस वजह से मैं जल्दी से इसके थोड़े से प्लैंक्स बना के कुछ स्टेयर्स बनाना पड़ेगा, और सोच के निकालना पड़ेगा, बस 12 काफ़ी है। तो कुछ स्टेयर्स कुछ इस तरीके से, यहाँ एक ऐसे आएंगी, एक यहाँ कुछ ऐसा आएगी, और फिर ये आ जाएंगे, हमारा एंट्रेंस बन जाएगा, और यहाँ आ जाएंगे प्लैंक्स अपने। तो ये काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है, कि सब ऐसी छो दिखेंगे, सब में ऐसी चेक के फ्रेम आएंगे। और मैं कई जैसे कि मैं कैसा बात करूँ, यहाँ पर भी नहीं आ सकती हूँ, और मुझे सोच के बताना पड़ेगा। तो कई के ये प्लैंक्स भी आएंगे जहाँ जो कॉर्नर रहेंगे, जैसे कि ये कॉर्नर है, यहाँ एक प्लैंक आ जाएगा, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं दिखेगा, इस वजह से प्लैंक यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, फास्ट एक ब्लॉक ऊपर कूद के जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा बन चुका है, और मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये होगा अपने क्राफ्टिंग रूम, यहाँ पर अपने क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और कुछ ऐसे चीज़ें रहेंगे। ये रहेगा बेडरूम, यहाँ पर अपना बेड को ऐसे दो बेड रहेंगे, डेकोरेट करके लगाएंगे। और ये शायद से आर्मर रूम तो नहीं हो सकता, ये वैसे अभी इसको सोचेंगे, इसको अभी ऐसे बना के छोड़ दिया। और यहाँ पर अपने ट्रैवल रूम रहेगा, इधर से सोल सैंड ऊपर जाने के वास्ते, और मैग्मा क्यूब नीचे जाने के वास्ते, और यह अपने नीचे जाने का स्टोरेज सिस्टम रहेगा नीचे, और ये ऊपर जाने का सीढ़ियाँ। वैसे मैं सीढ़ियाँ यूज़ तो नहीं करूँगा, मैं घर के ऊपर जाने के वास्ते मैं सोल सैंड का यूज़ करूँगा पहली बात। और इसको कमेंट करना, इसको क्या बनाऊँ मैं, ये रूम को क्या बनाऊँ, कमेंट कर देना। तो मैं जल्दी से ऊपर का भी बना लेता हूँ, मेरे पास की डॉट का गई, हाँ ये है, तो डॉट से मैं ऊपर जाके फ्लोरिंग भी कर देता हूँ ऊपर की, ये थोड़ा सा ही इसको सही कर लेता, तलवार देंगे बूढ़े में, ये हो गया सही। अब हम ऊपर की फ्लोरिंग भी कर देंगे स्पीड से, ये बहुत बड़ा घर बनने वाला है वैसे में। यहाँ पर तो स्टार्ट कर देते हैं फ्लोरिंग भी, यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं, यानी तो एक स्टेयर बना देते स्टेयर केस,
बार बार ऊपर जाने के वास्ते। तो ये हो गया, और ये एक ब्लॉक ऊपर से फ्लोरिंग आएंगी, गिरना नहीं है बस। यहाँ प्लैंक, और यहाँ पर भी प्लैंक, यहाँ पर भी प्लैंक, यहाँ पर भी प्लैंक। अब स्टार्ट हो जाएंगी फ्लोरिंग, फ्लोरिंग बोल रहा टेरिस। तो फ्रेंड्स, ऊपर की फ्लोरिंग हो चुकी है और मेरा घर अंधेरा बहुत हो गया था, तो मैं नीचे जाके लाइट अप भी कर रहा थोड़ा सा, मैं आपको दिख रहा हूँ। और मैंने आपको ये बताया है कि ये इंचेंटिंग रूम होगा, ये वाला इंचेंटिंग रूम, और यहाँ पर एनविल की जगह छोड़ के रखा, और जो जो इंचेंटिंग की चीज़ें लगती है वहाँ चेस भी लगेंगी। और ये तो बता चुका, ये भी बता चुका है बेडरूम होगा, और उसके बारे में मेरे को कंफर्म पता नहीं है, अभी मेरे को भी सोचना पड़ेगा क्या बनाऊंगा। और तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर का बना लेता हूँ, स्टेयर्स बना के स्पीड में कुछ स्टेयर्स। मेरे घर में बहुत शोर हो रहा है, कुछ स्टिक्स लेके मैं एक शफल नहीं डालना था, कुछ स्टिक्स लेके मैं पिकैक्स आयरन इसमें से पिकैक्स एक्स बना लेता हूँ, सॉरी एक्स बना लेता हूँ। स्टिक्स है तो सही, वो आयरन नहीं लिया। और मैं थोड़े से मॉब मार रहा है क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, आपको तो पता है अंधेरे में कितने मॉब स्पॉन होते हैं। तो मैं जल्दी से डेकोरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो इसको जल्दी जल्दी मेरे को घर कंप्लीट करना पड़ेगा बनाना। लगी हुई है तो मैं जल्दी से ये स्टेयर्स भी लगा लेता हूँ, ठीक है, कि मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएंगी। मैं लगाने के बाद मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सोल सैंड की जो लिफ्ट है वो अगर इधर साइड से रहेंगी तो कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है, मैंने देख चुका हूँ। मैं आपको ऊपर जाके एक बार बता देता हूँ, यहाँ मकड़ी स्पॉन होगी जंद, तो मैं इधर से जाने के ऊपर, तो मैं ऊपर जाके बता देता हूँ कैसा होने वाली है प्रॉब्लम। चढ़ जाओ ऊपर, यहाँ पर भी डॉट लगाना पड़ेगा। तो ये ऊपर है ना, बाद में जब घर ऊपर जाएगा तो तभी ये सोल सैंड की लिफ्ट सिर्फ एक फ्लोर तक की सीमित है, बाद में एक और सोल सैंड की जो लिफ्ट आएंगी वो एक इधर साइड आएंगी, इधर नहीं वो इधर आएंगी, फिर दो एक सोल सैंड की लिफ्ट फिर इधर बनाना पड़ेगा, जो एक ब्लॉक इधर और इधर आएंगी, जो एक और फ्लोर ऊपर जाने के वास्ते, तो थोड़ा साइड में ले लेंगे। जिसका देखना पड़ेगा, ये ऊपर का मैं ऑफलाइन पूरा ऊपर का बेस बना लूँगा, सिर्फ स्ट्रक्चर जैसे कि नीचे का डैमेज बहुत बड़े, जैसे कि नीचे का मैंने सिर्फ रूम नहीं बनाऊंगा। क्रीपर भाग भाग भाग, क्रीपर बाहर आ, क्रीपर डॉग उठ, इसको बाहर लेके जाके मारना पड़ेगा, मार कुत्ते इसको। मेरे कुत्ते को बहुत ताकत का डैमेज कर दिया क्रीपर ने, डॉट उठा लेता और वापस भर देता। तो जल्दी से भर लेता हूँ, और जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वो होता है ऑफलाइन काम मैं कर लूँगा, वैसे मैं आज ही कर सकता लेकिन मेरे को कल लगेगा टाइम कल तक की, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की नहीं है, 10 से 12 के ऊपर कभी नहीं, बहुत कम बनाने की। अरे बेचारे कुत्ते, तेरी भी दुम नीचे, किसकी दुम नीचे, उसको बहुत डैमेज हुआ, उसको खिलाना पड़ेगा कुछ, तो बैठ जाए इधर, तेरी दुम बहुत ऊपर होंगी,
इसकी सबसे नीचे, इसको सबसे पहले इसको खाना खिलाना पड़ेगा। अगर ये मर गया तो फिर कह नहीं सकते। ले खा खा, हाँ हो गई ये ठीक। और किसकी दुम नीचे है, इसको भी खिला देता। हाँ जाओ जाओ कुत्तो जाओ। बैठो बैठ, अरे रुक, ये बच्चे को बिठा देता पहले। ये बच्चा बैठ गया, चल कुत्ते बड़े को लेके जाना पड़े। और मैंने जो सबसे पहले जो कुत्ते पकड़े थे, जो वुल्फ पकड़े थे, ये सबसे पहला और वो दूसरे वाला उधर बैठा हुआ। अरे बाकी के मैंने गिना नहीं, बाकी कब टेक करा था, जिस वजह से मैंने उनको कुछ करा नहीं। और जैसे कि मैं ऑफलाइन वो काम करूँगा, प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। और लाइक और सब्सक्राइब करो तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।